अवेयरनेस ऑफ कैंसर इरेडिकेशन इस प्रोग्राम के द्वारा काफ़ी कैंप्स मेडिकल कैंप्स वगैरह ऑपरेट हो रही हैं. सो ये पीपल्स आर्ट सेंटर जो है बड़े बड़े कलाकार बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों को इस स्टेज पर उन्होंने प्रेजेंट किया. सो दैट इज गोपाल कुमार पिल्लई फॉर यू. द नेक्स्ट आर संगीत है, तो वो संगीत आपके अंदर से कभी नहीं हटता. वैसे तो पॉलिटिक्स और संगीत में खास कोई मेल नज़र नहीं आता, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन एक पर्सनैलिटी है जिनमें संगीत भी कूट कूट कर बढ़ा है और वे अपने यूनियन का. किशोर कुमार जी के शो में मेरे बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना उन्होंने बोल दिया है बाकी जितना रह गया है आपको गूगल में मिल जाएगा, आप पढ़ घर जाके आप पढ़ लीजिएगा. आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आपने इतना जो कह दिया मेरे बारे में. आज दो दिन पहले गुरु पूर्णिमा थी और मेरे ज़िंदगी में दो गुरु हैं, एक मेरे दादाजी एन सी बराल साहब जिनसे मैंने सामने बैठ के इनके गोद में बैठ के मैंने गाना सीखा. मैं बराल फैमिली का लड़का हूँ और सर आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ मैं एक से गुरु के पहले मैं बोल दूँ. हाँ तो उनके साथ मेरे रिलेशन द्रोणाचार्य और अर्जुन जी का था क्योंकि मैं सामने बैठ के उनसे गाना सीखा रूबरू. और ये जो भाई साहब जो हंस रहे पीछे से कि बेटा तुम लोग क्या गाते हो, मैं क्या गाता था, तो ये जो हंस रहे पीछे थे किशोर कुमार साहब, इनके साथ मेरा रिलेशन द्रोणाचार्य और एकलव्य का था. बहुत बार मैं छोटा था जब मैं अभी मैं छोटा हूँ लेकिन जब मैं और छोटा था तो कलकत्ता में डैडी के साथ हाथ पकड़ के इंडोर स्टेडियम में मैंने किशोर कुमार साहब के बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे लेकिन रूबरू कभी होने का मौका नहीं मिला. तो इसलिए दूर से उनको पूजा की, रेडियो के सामने उनको पूजे उनका पूजा किया, टीवी में उनका पूजा किया, लेकिन सामने से मिलने का कभी मौका नहीं मिला. लेकिन इसलिए मेरा दो द्रोणाचार्य है, दोनों को मैं गुरु पूर्णिमा के दो दिन बाद भले लेकिन उनको नमस्ते करता हूँ और मेरे दिल से मैं उनका प्रणाम करता हूँ. और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पीपल्स आर्ट सेंटर का जिन्होंने मुझे आज बुलाया और मेरे गुरु को किशोर कुमार के लिए दो शब्द कहने का और शायद दो गाना गाने का भी जो आपके सामने मुझे मौका दिया. थैंक यू. मैंने सुदेश जी को देखा नहीं, सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, पब्लिकली माफ़ कर दीजिए. मेरे बहुत बड़े ये भी मैंने मतलब क्या बोलूँ, इतने यंग लगते हैं कि मेरे दादा बहुत बड़े दादा है सीनियर, ऐसा बोलना गलत होगा. हाँ इसलिए जब 93 में पहली बार मैंने वर्ल्ड टूर किया था, ही वॉज द मैन वॉज ऑलवेज देयर और मेरे हर कदम में गलती होती थी उस वक्त. एक तो बंगाली था, हर हिंदी में हर लाइन में गलती थी, तो सब सुधारते रहते थे. तो ये इनके वो ये भी एक तरह से मेरे गुरु ही हैं, तो इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ. थैंक यू सो मच. मैं स्टेज पर बुलाया. अब हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के हाथों एक मोनोग्राफ रिलीज होगा. यहाँ ये मोनोग्राफ किशोर दा के लाइफ के कुछ कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज का कंपाइलेशन है. इसका कंपाइलेशन किया है.